नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड GD का जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बताने वाले इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी साइट पर। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि GD का जो एडमिट कार्ड है वो लिंक प्रिंट एडमिट कार्ड नाविक GD 2022-2023 अवेलेबल फ्रॉम PM। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं PM 11 मार्च। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वेट कर रहा होगा 12 बजे तक का, क्योंकि 12 बजे के बाद आपके एडमिट कार्ड, 11 मार्च आज है, और आप 11-12 बजे के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी कि वो PM के बाद आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि 12 बजे के बाद अपना एडमिट कार्ड इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी लिए आपकी जो वो आ रही थी, आपके बहुत से बच्चों के कमेंट आ रही थी कि सर सरकारी रिजल्ट पर एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया है, परंतु वहाँ पर जो हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्लिक करते हैं तो वो, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिखा रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इसके जो लिंक है यहाँ पर एक्टिवेट दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि लिंक फॉर प्रिंट एडमिट कार्ड और नाविक GD बैच अवेलेबल फ्रॉम बी अवेलेबल फ्रॉम PM 11 मार्च 2019। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको PM का ऑप्शन दिखाया हुआ है। और जब बात बताते हैं हम आपको, जब यांत्रिक के जो एडमिट कार्ड होते थे उसमें आपको यहाँ पर जो देखने को मिला था वो AM मिला था, इसलिए उनका लिंक जो सुबह को एक्टिवेट कर दिया गया था। लेकिन GD का जो एडमिट कार्ड है वो आपको 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी गलत इन्फॉर्मेशन के आप अपने को धैर्य में बनाए रखें और अपना एडमिट कार्ड जो आपने रजिस्टर्ड किया है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार हम आपको यहां पर रोल नंबर भी डाल करके दिखा देते हैं कि अब इन्फॉर्मेशन में क्या मिल रहा है। तो यहां पर आपको डाल देते हैं, यहां पर आपको ईमेल डाल करके दिखा देते हैं हम। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप, हमने यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया है अपना और एप्लीकेशन नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये लिखा जाएगा कि कैंडिडेट फाउंड विद रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी रिजेक्टेड। तो फ्रेंड्स, अभी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके 12 बजे के बाद, यानी कि आज दोपहर 12 बजे के बाद आपकी जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी इन्फॉर्मेशन को आपको बताना था। तो जब आपके एडमिट कार्ड 12 बजे के बाद उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसी वीडियो का इंतजार करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।